आज तारीख हो चुकी है 27 जुलाई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर सभी अवेल टीमों को लेकर क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। दरअसल लखनऊ की टीम ने यहाँ पर केन विलियमसन को अब अपनी टीम में यहाँ पर कल साइन कर लिया, जहाँ पर लखनऊ की यहाँ पर S20 लीग की टीम डरबन सुपर जायंट्स ने, जहाँ पर संजीव गोयन का वहाँ पर भी फ्रेंचाइजी के ओनर है, तो यहाँ पर डरबन सुपर जायंट्स ने यहाँ पर केन विलियमसन को कल S20 लीग के इस एडिशन के लिए साइन कर लिया। तो विलियमसन अब लखनऊ फ्रेंचाइजी का पार्ट बन चुके S20 लीग के इस एडिशन में। ये लखनऊ की यहाँ पर डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए दिखेगी। यहाँ से ये भी हिंट मिल रहा है कि अब आईपीएल में भी शायद लखनऊ सुपर जायंट्स यहाँ पर विलियमसन को परचेस करे। विलियमसन अब लखनऊ में नजर आ सकते हैं, रोहित शर्मा के पीछे भी है। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा विलियमसन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स अब आईपीएल 2025 के एडिशन में लखनऊ की तरफ से दिख सकते हैं। और जो भी फर्दर अपडेट रहेंगे सब कुछ हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है रोहित शर्मा की तरफ से। दरअसल रोहित शर्मा ने यहाँ पर लेटर लिखकर यहाँ पर मुंबई इंडियंस के ओनर नीता अंबानी और आकाश अंबानी को यहाँ पर नोटिफाइड कर दिया, इनको नोटिफिकेशन दे दी कि मुंबई में फर्दर खेलना नहीं चाहेंगे, मुंबई इंडियंस इनको रिलीज कर दे और यहाँ पर मुंबई को ये अब यहाँ पर टोटली छोड़ रहे। रोहित शर्मा ने लेटर में लिखा है कि मुंबई के लिए इनकी बेहतरीन जर्नी रही है, 13 साल इनके लिए काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन मुंबई से अब इनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है, तो फर्दर ये मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना नहीं चाहेंगे। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा ने ऑफिशियली मुंबई इंडियंस को लेटर लिख दिया। तो यहाँ से तो पूरी तरीके से अब तय हो चुका है कि रोहित शर्मा किसी न किसी नई टीम का यहाँ पर भाग बनेंगे। रोहित शर्मा ने जो इस टीम के ओनर्स को यहाँ पर लेटर लिखा है वो यहाँ पर लेटर हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप कंप्लीट लेटर देख सकते हो और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अब कौन सी टीम रोहित शर्मा को आखिर मेगा ऑक्शन में परचेस करेगी। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है पंजाब किंग्स की तरफ से। दरअसल पंजाब अब ट्रेवर बेलिस को यहाँ पर हेड कोच के पद से हटाकर वसीम जाफर को अब यहाँ पर अपना नया हेड कोच बना रही है आईपीएल 2025 के एडिशन में। अब वसीम जाफर इस टीम के नए हेड कोच के रूप में हमें नजर आएंगे। वसीम जाफर को अब नए हेड कोच के रूप में ये टीम नियुक्त कर रही है। इसके साथ एक खबर है कि करंटली MLC लीग में काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे स्टीवन स्मिथ के साथ भी ये टीम अप्रोच कर रही है, तो स्टीवन स्मिथ को भी ये टीम परचेस कर सकती है, उनको भी कप्तान के तौर पर ये टीम यहाँ पर कंसिडर कर सकती है। तो पंजाब की तरफ से ये दो बड़े अपडेट्स हैज ऑफ नाउ यहाँ पर निकल कर आए। आप कमेंट करके बताइए आपको पंजाब के ये सही फैसले लगे या फिर नहीं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है इम्पैक्ट प्लेयर के नियम को लेकर। दरअसल BCCI ने इम्पैक्ट प्लेयर के नियम को लेकर यहाँ पर जो कल के दिन BCCI की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर सभी फ्रेंचाइजियों के साथ मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इम्पैक्ट प्लेयर के नियम को लेकर फैसला लिया गया, जहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर के नियम को हैज ऑफ नाउ अपडेट्स के अकॉर्डिंग आईपीएल 2025 के एडिशन में यहाँ पर कंटिन्यू रखा जाएगा। हैज ऑफ नाउ एक और साल ये यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर का नियम आईपीएल में कंटिन्यू रहेगा। हालांकि 2025 के बाद शायद इस नियम को आईपीएल से हटाया जा सकता है, लेकिन एक और साल यहाँ पर टीमों ने और BCCI ने एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लिया, तो एक और साल अब इम्पैक्ट प्लेयर आईपीएल में रहने वाला। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर को शायद आईपीएल से यहाँ पर हटाया भी जा सकता है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या इम्पैक्ट प्लेयर को यहाँ पर एक और साल रखने का BCCI का ये सही फैसला सही डिसीजन है या फिर नहीं। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर कुछ कुछ खिलाड़ियों की तरफ से जिनकी अब यहाँ पर टीमें बदलाव हो रही है, जो कि नई टीमों की तरफ से अब आईपीएल 2025 के एडिशन में नजर आएंगे, जो कि एक टीम से दूसरी टीम में अब यहाँ पर जा रहे। तो सबसे पहले नंबर पर नाम आता है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा जो कि मुंबई का भाग है, 13 साल मुंबई से खेल चुके हैं, मुंबई से 99% ये लखनऊ में जा रहे। लखनऊ की टीम इनके साथ अप्रोच करी, हालांकि गुजरात और दिल्ली कैपिटल्स भी अप्रोच करी है, लेकिन लखनऊ में इनके जाने के काफी ज्यादा यहाँ पर चांसेस है। इसके बाद यहाँ पर नाम आता है ऋषभ पंत का। तो ऋषभ पंत जो कि दिल्ली कैपिटल्स का भाग रहे, दिल्ली कैपिटल्स की यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की इन्होंने कप्तानी भी करी है, 2015 से दिल्ली कैपिटल्स में रहे, तो ये भी अब दिल्ली कैपिटल्स से चेन्नई में जा रहे, जहाँ पर इनका भी चेन्नई में जाना पूरी तरीके से कंफर्म्ड पूरी तरीके से थे। इसके बाद नाम आता है शिखर धवन का। तो शिखर धवन पिछले साल तक पंजाब के कप्तान थे, इंजरी के चलते बीच आईपीएल में इन्होंने यहाँ पर आईपीएल से ऑप्ट आउट किया था, लेकिन ये भी अब पंजाब से दिल्ली कैपिटल्स में रिपोर्टेडली जा रहे, दिल्ली कैपिटल्स की टीम इनके साथ अप्रोच करी। इसके बाद नाम आता है केएल राहुल का। तो केएल राहुल जो कि लखनऊ का पिछले 3 सालों से भाग थे, लखनऊ के ओनर के साथ इनका विवाद भी हो गया था, यहाँ पर काफ़ी बहस
पहनकर इनके बीच लड़ाई तक हो गई थी, तो इस वजह से अब ये लखनऊ के साथ फर्दर कंटिन्यू नहीं रहेंगे। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आरसीबी में यहाँ पर केएल राहुल जा रहे, तो हिजब नाम इन खिलाड़ियों को लेकर ये अपडेट है कि इन खिलाड़ियों की यहाँ पर टीमों में हमें बदलाव यहाँ पर होते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती हुई यहाँ पर टीमों के रिटर्न प्लेयर्स को लेकर। दरअसल मीटिंग यहाँ पर 31 जुलाई को होनी है, लेकिन मीटिंग से पहले ही टीमों के रिटर्न और रिलीज प्लेयर्स को लेकर कंफर्म्ड इमेज आ चुकी है, जहाँ पर एक टीम को केवल 5 ही यहाँ पर रिटेंशन दी जाएगी। एक टीम मेगा ऑक्शन से पहले केवल 5 ही खिलाड़ियों को यहाँ पर रिटेन कर पाएगी, जहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 इंडियन खिलाड़ियों का और 2 विदेशी खिलाड़ियों का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर टीमों को कोई भी आरटीएम कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुंबई इंडियंस को या फिर चेन्नई कोलकाता, सभी की टीमों को यहाँ पर 5-5 खिलाड़ी रिटेन करने का मौका मिलेगा। 3 इंडियन खिलाड़ी और 2 विदेशी खिलाड़ी ये टीमें रिटेन कर पाएगी, बाकी सभी 20 खिलाड़ी ऑक्शन में जाएंगे। तो सभी यहाँ पर 10 टीमों से हमें 20-20 खिलाड़ी यहाँ पर ऑक्शन में जाते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 200 खिलाड़ी ओवरऑल सभी टीमों से रिलीज होंगे, और सभी टीमों से जो जो खिलाड़ी रिलीज होंगे यहाँ पर उन खिलाड़ियों का कंप्लीट पीडीएम, कंप्लीट नाम हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको आज शाम तक अपडेट कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 7वीं बड़ी खबर की, तो 7वीं बड़ी खबर निकल कर आती होती यहाँ पर भारत और श्रीलंका की यहाँ पर सीरीज को लेकर। दरअसल आज यहाँ पर भारत और श्रीलंका की T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। आज यहाँ पर शाम 7 बजे से हमें पहला T20 मुकाबला देखने को मिलेगा, सूर्य कुमार यादव का यहाँ पर प्रॉपर T20 कप्तान के रूप में ये पहला मुकाबला। हालांकि पहले भी ये भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके, लेकिन अब तो ये यहाँ पर परमानेंट कप्तान बन चुके। तो आज इनकी यहाँ पर कप्तानी में भारतीय टीम का यहाँ पर आज काफी इंपॉर्टेंट पहला मुकाबला होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग श्रीलंका को आज भारतीय टीम इजीली हरा देगी या फिर नहीं। अब बात करते हैं 8वीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो 8वीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर यहाँ पर पूरी तरीके से शोर है कि रोहित शर्मा अब लखनऊ में आ रहे और IPL 2025 के एडिशन में लखनऊ को ये लीड करेंगे, जहाँ पर 25 करोड़ तक का ये रोहित शर्मा को प्रपोजल दे चुके। इवन यहाँ पर लखनऊ के ओनर ने रोहित शर्मा को ये तक कहा, रोहित शर्मा और रोहित शर्मा के मैनेजर को ये तक कहा है कि 30 करोड़ तक भी अगर रोहित ऑक्शन में जाएंगे तो डेफिनेटली ये उनके पीछे जाएंगे। तो यहाँ से तो लखनऊ के ओनर ने यहाँ पर पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया कि IPL 2025 के एडिशन में रोहित शर्मा को यहाँ पर लखनऊ में किसी भी हाल में लेकर आएंगे, और 99% रोहित शर्मा लखनऊ से खेलेंगे, ये लखनऊ के ओनर का मानना है। आप कमेंट करके बताइए आप रोहित शर्मा को क्या लखनऊ के कप्तान के तौर पर IPL 2025 के एडिशन में देखना चाहोगे या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।